हे गाइस, आज मैं किसी ड्रामे की नहीं बल्कि किताब की बात करूंगी जो कि है, आपको तो उल्टी नजर आ रही है, मैं ये भूल जाती हूँ. बेसिकली इट्स कॉल्ड हालिम बाय निम्र अहमद. जो निम्र अहमद के फैंस हैं, आई एम श्योर आप सबने ये किताब पढ़ी भी होगी और आप लोगों को भी मेरी तरह इस किताब को पढ़ के बहुत मजा आया होगा. मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि वो सही नजर नहीं आ रही है आपको हालिम लिखा हुआ. सो आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट कि जिन लोगों ने हालिम नहीं पढ़ी है उनको हालिम क्यों पढ़नी चाहिए. सबसे पहली बात यह कि निम्र अहमद बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आती हैं हर बार, और हमेशा मैं उनके नॉवल पढ़ती हूँ मैं हैरान रह जाती हूँ. यू नो, मैंने उनका लास्ट पढ़ा था नमल, हालिम से पहले नमल पढ़ा था, और नमल जो थी वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर और यहाँ पे जो अगर कोई मर्डर हो जाए और उससे रिलेटेड थी, और सूरह नमल से बहुत रेफरेंसेस उन्होंने लिए हुए थे वो उस पे थी. एंड उसी को दिमाग में रखते हुए कुछ ना मैं समझी थी हालिम भी ऐसा ही होगा. लेकिन जब मैंने हालिम पढ़ना शुरू की तो मैं बहुत ही हैरान रह गई, क्योंकि हालिम एक्चुअली मलेशिया में बेस्ड है और कुआलालंपुर और मलेशिया के डिफरेंट पार्ट्स को होती है, और बहुत ही डिटेल में आपको मलेशियन हिस्ट्री, कल्चर, खाना, उधर की जगहों के बारे में पता चलेगा. तो मुझे उसको पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं एक ज़माने में सिंगापुर रहती थी और मैं मलेशिया बहुत ट्रैवल भी करती थी, तो मैं बहुत सी चीज़ों से रिलेट भी कर पा रही थी, मुझे बहुत सी जगह याद भी आ रही थी, स्पेशली जब जब वो कुआलालंपुर का जिक्र करती थी. ओके, हालिम जो है ना, इट्स अ स्टोरी अबाउट थ्री कैरेक्टर्स, तालिया मुराद, एडम बिन मोहम्मद और फाते. और मैं आपको स्टोरी नहीं बिल्कुल बताऊंगी कि क्या है, हल्का हल्का सा बताती हूँ कि एंड इट इन्वॉल्व्स टाइम ट्रैवल. एक्चुअली मुझे शायद ये नहीं बताना चाहिए था, स्पॉइल हो गया, लेकिन आपको रियलाइज भी नहीं होगा जब आप उस स्टेज तक पहुँचेंगे कि हुआ क्या, और आप यू लाइक ओ ये तो कोई एक नई थ्योरी है. तो इस मामले में निम्र अहमद ने एकदम से अपने आप को इतना मेच्योर और इतना एडवांस ले गई कि कहाँ वो मतलब एक जगह की बात करी थी. ये पूरा ना इट्स अ थ्रिलर नॉवल, यू नो, फिक्शन है, इसमें एडवेंचर है. वो जिस तरह की हम हॉलीवुड में मूवीज देखते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का ये नॉवल है. इसमें एक्शन है, टाइम ट्रैवल है, इसमें थ्योरीज हैं, इसमें मिस्ट्रीज हैं जो सॉल्व करनी है. और तालिया मुराद को तो हर कुछ आता है, यू नो, शी इज लाइक द गर्ल दैट वी ऑल वुड ड्रीम टू बी. और फिर रोमांस भी है ऑफ कोर्स. सो बड़े मज़े की कहानी है, इंटरेस्टिंग है. इसमें आपके प्रिंसिपल्स भी क्वेश्चन होते हैं, आपको मॉरल वैल्यूज़ भी थोड़ी सी सोचने को मिलती हैं, टाइम ट्रैवल बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री आपको मलेशिया की और बहुत सी कहानियां आपको पता चलती हैं, वो आपकी नॉलेज में इजाफा होता है. उसके अलावा ऑफ कोर्स यू विल एंजॉय द लव ऑफ तालिया. And who else? I'm not going to tell you. And अगर आप मेरे जैसे हैं जिनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो यू गोइंग टू लव इट, बिकॉज ये किताब नहीं है इतनी मोटी, इसका पार्ट टू है. सो मेरी तो ईद हो गई थी. हाँ, थोड़ा सा मुझे इंतजार करना पड़ा था कि ये मैंने पार्ट वन ले लिया, अब पार्ट टू किस वक्त आएगा, तो थोड़े अरसे बाद आया था. लेकिन बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब इतनी मोटी मोटी किताबें मैं पढ़ सकती हूँ. और जब वो मैं जाके देख रही होती हूँ ना, तो इतनी सी होती है, मैं कहती हूँ यार ये तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, आई डोंट वांट टू रीड दिस, यू नो, मुझे ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा चाहिए. तो ये हालिम, और मुझे लगता है हालिम को ना वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिला जो हालिम को मिलना चाहिए था. थोड़ा ड्रैग है बीच में किताब, डेफिनेटली, लेकिन फिर भी हालिम इज़ अ ग्रेट बुक, इट्स अ ग्रेट रीड, प्लीज़ रीड. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लोकल राइटर्स को इंकरेज करें इस तरह की थीम्स लिखने में, क्योंकि यूजुअली जो हमारे राइटर्स हैं वो बहुत एक तरह की लिखते हैं, यू नो, कि वो कोई फैमिली ट्रेजेडी होगी या पॉलिटिकल ट्रेजेडी होगी या पॉलिटिकल सिनेरियो होगा या फिर रिलीजन से रिलेटेड होगा, अफगानिस्तान होगा या पाकिस्तान कराची, यू नो. ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जॉनरा लिखा है निम्र अहमद ने. एंड सो आई फील शी मस्ट बी अपलॉडेड फॉर दिस. एंड या डू रीड इट, डू गो एंड बाई इट, एंड कोशिश करें ओरिजिनल खरीदें ताकि इंडस्ट्री बढ़ सके और पायरेसी को हम डिक्लाइन कर सकें. दैट्स ऑल. आप लोग मुझे बताएं, अगर आपने हालिम पढ़ी है तो आपका क्या ख्याल है, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ हालिम, एंड यू गिव मी वन रीजन वाई जो लोग हालिम जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको हालिम क्यों पढ़नी चाहिए. टेक केयर, आई सी यू सून.